देखिए, आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर सैया, और मेरा यहाँ पे डेयरी में ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है। उसमें मतलब यही है कि मैं ये बताता हूँ कि डेयरी में आप कैसे लाभ उठा सकते हैं और डेयरी आपकी फेल ना हो, तो इसी की मैं ट्रेनिंग देता हूँ। ये अनिल जी, अनिल मलिक जी, हाँ, ये बहुत वो क्रांतिकारी है। ये बस भी चलाते हैं और इनका डेयरी फार्म भी है, और ये इसमें इंटरेस्टेड थे तो इसकी ट्रेनिंग में आए हुए थे। तो इनको 2-3 बार मैं बुलाऊंगा, इनको मैं मास्टर ट्रेनर बना दूंगा, फिर ये दूसरों को बताएंगे, अपनी गायों पे करेंगे। देखिए, एम्ब्रो ट्रांसफर हो चाहे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हो, तो कोई आदमी अपनी गाय में तो हाथ डालने नहीं देगा, गाय या भैंस में। मैं ये भी बता दूं कि ये एम्ब्रो ट्रांसफर जो है भैंस में नहीं होता, पर अब ब्राजीलियन गिरी जो है वो आ गई है, तो वो 50-50 लीटर देती है, तो उसमें एम्ब्रो ट्रांसफर बहुत है। जैसे सन 71 में 70 में जो था तो AI का बड़ा हुआ बना रखा था, इसी तरह एम्ब्रो ट्रांसफर का भी है। पर अब तो करनाल में, हिसार में, सब जगह एम्ब्रो ट्रांसफर के। अब मैं अनिल जी से कहूंगा, ये बताएंगे अपनी। सर जी नमस्कार। बोलो। आपके व्यूअर्स को नमस्कार। सर जी, एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है? जैसे ये आवारा बछड़े घूमते हैं, ये सिर्फ अगर इन पे अगर काम हो ना, फोकस हो, तो बछिया ही पैदा होगी और हर घर में दूध होगा। जो दूध मिलावटी दूध है ये बंद हो जाएगा, और जो सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं ये बंद हो जाएंगे। मेन चीज तो ये है, इस कारण मैं करना चाहता हूँ। समाज सेवा भी हो जाएगी और पशु सेवा भी हो जाएगी और नॉलेज भी मिलेगी। इसमें गौ हत्या को आप रोक सकते हैं। बिल्कुल। जो देसी आपकी गायें हैं जो सड़क पर डोल रही हैं, इसमें जो है गिरी का एम्ब्रो रख दीजिए, और वो उसमें दूध की भी जरूरत नहीं है, वो बच्चा उसी का ही दूध पीता रहेगा। अच्छी नस्लें होंगी, घर घर में दूध की नदियां बहेंगी। हाँ, ये ऐसे अभी हर एक चीज में टाइम लगता है। आप लोग कहते हैं इसमें साहब बहुत पैसा लग रहा है। मैंने इसके सारे साधन जानवर वानवर रख रखे हैं। अब अनिल जी का अभी इनको 2-3 बार बुलाऊंगा, फिर इनको मास्टर ट्रेनर बना दूंगा, तो मेरे बिहाफ पे ये करते रहेंगे। तो करिए, और बताइए, आप बताइए कैसे कैसे आए आपके, कितनी दूर है देहरादून में? सर जी 280 किलोमीटर का सफर तय किया बाइक पे ही आया हूँ मैं तो। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मैं तो आपकी वीडियो लगातार देखता था, तो आपसे बहुत नॉलेज मिली मेरे को। अभी 2 दिन रुकेंगे आप? कल जाऊंगा, फिर आएंगे अगले नेक्स्ट वीक फिर आएंगे। हाँ, तो 2-3 बार में रमा अब तो हो। हाँ, अब तो ऐसा इनका यही है कि देसी जो गैया घूम रही हैं गौशाला में या इधर उधर, उनमें गिरी का ये रखेंगे, उनको बढ़ावा देना। हाँ, उसमें गिरी तो वो जो है, जैसे राजस्थान में होता है कि विलायतिन जो है वहाँ आके बच्चा जो है उसके उसमें रखा रखा दिया, फिर बच्चा ले लिया, तो वही हालत हो जाएगी। तो उन गायों, देसी गायों से ना दूध निकालना है, जो बच्चा हो जाएगा उसी का दूध पिएगा, और उसमें इम्यूनिटी भी उसकी आ जाएगी। तो इसका धीरे धीरे अब देखिए, लुधियाना में होने लगा, करनाल में होने लगा, और भोपाल में होने लगा, तो धीरे धीरे बात जोर पकड़ रही है। अभी थोड़ा गवर्नमेंट उसमें है, पर अब प्राइवेट में भी हम लोग तो कहते हैं साहब आप जो है वो इसके इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं देते। देखिए ऐसा है, हम मास्टर आदमी हैं, हम ये बता देते हैं कि बादाम खाओ। अब बादाम कहाँ से लाओगे, क्या करोगे, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। हम तो ये बता देते हैं बादाम अच्छी चीज है, आप खाओ। हम बता देते हैं एम्ब्रो ट्रांसफर ये है भाई, इसमें ये चीज लगती है, इसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, और ये जो एक हवा बना रखा है कि नहीं साहब इसको जो है वो डॉक्टर, ये डॉक्टर तो करेंगे ही, पर उनको 3-4 आदमी तो और चाहिए ना संग में। आपके संग कितने आदमी रहे थे कल? आपने कल से कम से 6 आदमी थे। 6 आदमी ना, एक ऊपर से पकड़ेगा, नीचे से पकड़ेगा, तो ये बात है कि नाचना जाना है आंगन टेढ़ा। नाचना तो आता नहीं है, और कहते साहब आप नहीं कर सकते। हमसे भी कहते रहते हैं, हमारी तो 80 साल की उम्र हो गई। बहुत से लोग कहते रहते हैं कि साहब आप मत करिए मत करिए, अब वो आपके चोट लग जाएगी। तो मैं बहुत तक सोचता रहा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फिर मैं इसी नतीजे पे आया कि ये लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं ये करने। मैं तो 90 से कर रहा हूँ बहुत दिनों से। अब जो है इसका हार्मोन पार्मोन सब मिलने लगे, तो मैं मंगा लेता हूँ, और अपने टाइम पास होता है बुढ़ापे में। अलग अलग आदमी मेरे यहाँ तो अरुणाचल से भी लोग आते हैं, कश्मीर से भी आते हैं, सबसे ज्यादा हरियाणा से आते हैं। अभी 4 आदमी आए हुए हैं हरियाणा से। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कोई के हम पैसा कमाना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि लोग बात को समझें, और जो भैंस पालना या गाय पालना छोड़ रहे हैं वो लौट के अपने जमीन पे आए। और भैंस में तो नहीं होता ये, पर भैंस में क्लोन्ड भैंस
भैंस बना ली हमने। करनाल में क्लोन भैंस है, हिसार में क्लोन भैंस है, तो इसमें बहुत ज्यादा संभावना होने लगी है। संभावना यही है जिनने भैंस पालन या पशुपालन को छोड़ दिया था, अब वो दूध की वजह से मतलब वो फिर रखने लगे। और ये मोबाइल और कार और ये सड़कें हो जाने की वजह से गाँव गाँव अब लोग आगे रहना चाह रहे हैं और इसमें काफी तरक्की हो रही है। हरियाणा में से आपके बिक जाता है एक ट्रक भैंस बिक जाती है रोज? बिक जाती जी, हरियाणा तो बहुत भैंस सेल होती है जी। पर लोग ही वापिस उसी भैंसों की तरफ आने लगे क्योंकि मिलावटी दूध आ गया सर। अब दिवाली पे देख लें डुप्लीकेट मिठाइयां मिलेंगी सारी जगह और ये सब कैंसर कारक है। हर घर में कैंसर, तकरीबन फैमिली में जरूर कैंसर होने लग गया क्योंकि सब मिलावटी दूध जो सेल करते हैं, करीब निकाल के दूध बेचते हैं। पंजाब से तो कैंसर की गाड़ी चलती है। दूध वाले जितने जो मिलकर जो डिलीवर करते हैं वे सब करीब निकाल के दूध बेचते सर। कोई से बात हुई, बहुत अच्छा रहा है। दो दिन तक रहेंगे यहाँ पे और इनसे हरियाणा के बारे में। मैं तो हरियाणा में 60 और 70 में ज्यादा था तो वहाँ का तब तो किस्सा अलग था। अब तो हरियाणा बदल गया है, सब अंग्रेज हो गए एकदम। अब अच्छी शिक्षा अच्छी, सब लेडीज जो है जो पहले गोबर में लगी रहती थी अब वो नौकरी कर रहे हैं सब जगह नौकरी कर रहे हैं। अब तो कंडे बनाने की भी मशीन आ गई। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर जो है 9797486866 है। अनिल जी अपना बताओ टेलीफोन नंबर। 8780 10957 है। हाँ, तो आप यही बताइए कि मैं तो गौ सेवा में आया हूँ। गौ सेवा में आया हूँ सर। और डॉक्टर साहब का कोई ऐसा नहीं है? नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सिखाया, यहीं खाना पीना रहने का लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी। चलिए ठीक है।